कोरोना के बाद मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में मंकी पॉक्स वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी सोमवार को दी है। करीब एक हफ्ते पहले यूएई में पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। न्यूज एजेंसी राइटर के अनुसार मंकी पॉक्स का पहला मामला मिलने के एक हफ्ते बाद अब यूएई में इस वायरस के 3 और नए मामले सामने आए। नए मामले सामने आने के बाद यूएई प्रशासन सख्त हो गया है। मंत्रालय ने हालांकि संक्रमित लोगों के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। यूएई में पश्चिमी अफ्रीका से पहुंची 29 साल की महिला में मंकी पॉक्स का पहला संक्रमण देखने को मिला था। यूएई में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद भारत के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ कई देशों के लोग आते रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में यूएई में संक्रमण फैलने से दुनिया के कई देशों के निवासियों के लिए खतरा बन गया है। इसके साथ ही भारत में भी बड़ी संख्या में लोग यहां काम करते हैं और यूएई से भारत आने जाने वालों की संख्या भी काफ़ी तादाद में है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रविवार को कहा था कि कई देशों में एक साथ मंकी पॉक्स के केस सामने आए। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। WHO के बयान में कहा गया है कि 26 मई तक 23 सदस्य देशों में कुल 257 मामले की पुष्टि हुई है, साथ ही 120 संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग के विशेषज्ञ सैम फजेली ने बताया था कि दुनिया भर के वातावरण में बड़ी संख्या में वायरस फैले हुए हैं। मंकी पॉक्स भी उन्हीं में से एक है। यह चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से मृत्यु दर के मामले में कम खतरनाक है। यह वायरस प्रमुख तौर से पश्चिमी अफ्रीका में फैलने वाले वायरस लगता है, लेकिन यह चौंकाने वाली बात है कि मंकी पॉक्स वायरस इस समय इतने देशों में पाया जा रहा है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के 71 मामले सामने आए थे। ये किसी व्यक्ति की यात्रा की वजह से नहीं, बल्कि घाना से मंगवाए गए रोडेंट्स के वजह से था। कोरोना से डरी दुनिया अभी ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि नए वायरस ने हलचल मचा दी है। फिलहाल अभी किसी भी देश में इसको लेकर कोई खतरनाक बात सामने नहीं आई, लेकिन अनजान डर और दहशत बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।